G7 सम्मेलन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात में मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत पाकिस्तान के मसलों में किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं। ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर विवाद सुलझा सकते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बोले, दोनों देश न्यूक्लियर शक्ति हैं और परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के बाद सीबीआई कोर्ट ने भी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज की, 30 अगस्त तक रिमांड बढ़ाई। ईडी मामले से जुड़ी याचिका पर आज भी सुनवाई। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा ने मंत्रियों को विभाग बांटे, 3 को उप मुख्यमंत्री बनाया। मंदी की आहट के बीच आरबीआई ने केंद्र सरकार के लिए खजाना खोला, 1,76,051 करोड़ रुपए मिलेंगे। देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन, मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली खिलाड़ी पीवी सिंधु स्वदेश लौटी, दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। और न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 1 पारी और 65 रन से हराया, सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म।